हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत आज आपके लिए कुछ ऐसी खेतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी सब्जियों की खेती है, और ये जो है इस समय पे इनकी खेती की जा सकती है और अच्छी खेती है। इनका उपयोग करने से किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, अभी हम वीडियो शुरू कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमने आपके लिए जो ये समय चल रहा है वो गोभी की खेती का चल रहा है, और गोभी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनकी खेती करके किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो जैसे कि गोभी की बात करें तो गोभी आपकी जो है दो तीन प्रकार की गोभी होती है। एक तो आपकी बंद गोभी होती है जिसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं, दूसरी आपकी फूल गोभी होती है जिसके लिए हम कली फ्लावर बोलते हैं, और तीसरी बात करें तो ब्रोकली, ब्रोकली नाम से होती है जो कि हरे रंग की गोभी होती है, और एक इसको ब्रेंजल कलर की भी गोभी बनाया जाता है। तो गोभी की खेती जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और किसान भाइयों, गोभी के साथ साथ इस समय पर जो ये टाइम है ये बैंगन की खेती का भी चल रहा है। तो आज मैं आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि जो आपको इस सीज़न में करने में आसानी हो सकती है और अच्छा इनसे मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये जो समय चल रहा है इस समय पर गोभी की खेती का चल रहा है, गोभी की खेती के साथ साथ बैंगन की खेती का चल रहा है, और शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं इस समय पर, क्योंकि शिमला मिर्च की खेती का भी टाइम चल रहा है। बैंगन की बात करें तो बैंगन आपका तीन प्रकार का होता है। एक आपका हरे रंग का बैंगन होता है, एक नॉर्मल आपका बैंगनी रंग जो हम जिसकी बात करते हैं जो कि बैंगन नाम से ही प्रसिद्ध है, तो वो बैंगनी रंग है जो कि आपका उस रंग का भी जो है प्रचलित है। दूसरा आपका जो लौकी के आकार का और बिल्कुल सफ़ेद रंग का भी बैंगन होता है। और शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च की जो डिमांड है वो हरी शिमला मिर्च से ज़्यादा डिमांड आजकल लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च की ज़्यादा डिमांड है। पीली मिर्च की बात करें तो इसकी जो बिक्री है वो काफ़ी अच्छे रेट में होती है, और पीली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छे शहरों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसका जो रेट भी है वो किसान भाइयों को बहुत अच्छा मिलता है। तो ये बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, इनकी खेती करने से किसान भाइयों को बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च में आपकी काले रंग की और हरे रंग की, पीले रंग की और आपकी लाल रंग की शिमला मिर्च आपको मिलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस समय पर वो पीले रंग की शिमला मिर्च की डिमांड बढ़ती जा रही है। पीली मिर्च की, शिमला मिर्च की डिमांड इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल हर किसी के लिए थोड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद हैं, और जो कुछ नया होता है वो लोगों के लिए ज़्यादा पसंद आता है। तो बहुत सारे होटलों की बात करें तो पीली शिमला मिर्च की सब्ज़ी लोग पसंद करते हैं, और टमाटर की बात करें तो टमाटर तो नॉर्मल जो देसी टमाटर होता है इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। और बैंगन की बात करें तो बैंगन जो आपका बैंगनी रंग का काला बैंगन होता है उससे ज़्यादा आजकल डिमांड में हरा बैंगन चल रहा है। हरा बैंगन इसलिए भी डिमांड में चल रहा है क्योंकि इसके अंदर पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कुछ कंद वाली सब्ज़ियों की। तो कंद वाली सब्ज़ियों में आपकी शलजम है। शलजम एक अच्छी फसल है और इसका भी उपयोग काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जाता है, और इसका रेट भी किसान भाइयों को अच्छा मिलता है। और इन सब चीज़ों का उपयोग जो है वो सब्जियों के साथ साथ सलाद में भी किया जाता है। सलाद में भी इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और इनकी सब्जियां तो बनती ही बनती हैं, तो इनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो इन सब्जियों को उगाकर किसान भाई अच्छे से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और इनके साथ साथ गाजर का भी समय चल रहा है। गाजर की बुवाई के लिए नॉर्मली आप जो है वो खेत में कर सकते हैं, और खेत में गाजर की बुवाई करके गाजर को तैयार कर सकते हैं।
किसान भाइयों, ब्रोकली पर मैंने पूरी वीडियो आपको कल बनाकर डाली थी, जो कि आपने देखी होगी। ब्रोकली जो है हरे रंग की गोभी होती है, ये गोभी के जैसी ही होती है, सारे प्रोसेस में गोभी के जैसे होते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। बस हमारे लिए हरे रंग की जो गोभी है यानी ब्रोकली है उसकी खेती करते हैं, तो इसका उत्पादन और इसकी जो कीमत है वो बहुत अच्छी किसान भाइयों को मिलती है, क्योंकि हम लोग शुरू से जो खेती करते चले आए हैं, जैसे कि धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा, इन सब चीज़ों की खेती करते चले आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि धान, गेहूं और भी चीज़ें हैं, गन्ना है या जो भी फसलें हैं जो हम करते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी डिमांड है और खाद्यान्न की पूर्ति उन्हीं से होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम तकनीकी खेती अपनाएंगे, जैसे कि ब्रोकली की खेती है या वेजिटेबल्स में विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं इनकी खेती अगर हम करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, जिससे कि हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छे से सुधार सकें। तो इसमें मैंने आपको ब्रोकली पर कल वीडियो अच्छे से बना के डाली थी, जो कि आपने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपके लिए ब्रोकली से संबंधित सारी जानकारियां मिल सकें, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रजातियों के बारे में भी बताया है और ब्रोकली की पूरी शुरू से लेके और कटाई तक की, यानी नर्सरी से लेके कटाई तक की सारी प्रक्रियाओं को मैंने उसमें मेंशन किया है, जो कि आप लोग उसको देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ब्रोकली को मुख्यतः हम खाने की बात करें तो ब्रोकली की जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है और सब्जियों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सलाद के रूप में ब्रोकली का उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि कच्चा खाने में ब्रोकली काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी पौष्टिक होती है। इसका उपयोग करने से मनुष्य के जो हृदय संबंधित समस्याएं होती हैं वो भी ठीक होती हैं, और जो ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं उनके लिए भी ब्रोकली बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग हर चीज़ में ये बात आती है कि रोगियों के लिए बताई जाती हैं, स्वस्थ मानव के लिए भी ये चीज़ें खानी हैं तो बहुत अच्छा उनके लिए लाभ मिलेगा। यानी स्वस्थ मानव जब इनके लिए स्वस्थ आदमी खा रहा है तो वो अस्वस्थ नहीं होगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ बीमार लोगों के लिए भी खानी है, सिर्फ बीमार लोगों के लिए ही नहीं खानी है, ये चीज़ें हम अच्छे खासे हर किसी व्यक्ति के लिए खानी चाहिए, जिससे कि हमें पोषक तत्वों की मात्रा मिलती रहे। क्योंकि एक आदमी की डाइट में पर डे 400 ग्राम सब्जी होना अनिवार्य है, जो कि हमारे यहाँ की भारत की जो डाइट में जिसको मेंशन किया गया है वो एक आदमी की प्रतिदिन की 400 ग्राम हरी सब्जियों का बताया गया है, जिसमें 400 ग्राम दिन भर में उसके लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे कि हमारे लिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होते हैं, हमारे अंदर की जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बढ़ाते हैं। तो हमें कम से कम 400 ग्राम तक सब्जियां खानी चाहिए। वो सब्जियां हमारी कई रूप में हो सकती हैं, हरी सब्जियों के रूप में भी हो सकती हैं, सलाद के रूप में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उनका उपयोग करें। किसान भाइयों, जैसे गाजर की बात करें तो गाजर भी कई प्रकार की होती है, पीली गाजर होती है, काली और लाल। ये जो गाजर होती हैं, गाजर मुख्यतः जो लाल वाली गाजर होती है वो ज़्यादा प्रचलित होती है, लेकिन जो पीली गाजर होती है यानी हल्का जिसके अंदर पीला रंग होता है वो ज़्यादा पौष्टिक होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा होती है। और अगर बात करें तो इसकी जो रेट होता है वो लाल वाली गाजर से कहीं ज़्यादा होता है। किसान भाइयों के लिए इसकी खेती करने से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात करें लाल गाजर की, तो लाल गाजर मुख्यतः हर जगह होती ही और इसका अब सीजन चल रहा है, तो इसकी बुवाई करने से किसान भाइयों के लिए कम समय में और एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए ये अच्छी जरिया है। तो गाजर की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं, उसका भी समय चल रहा है। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ अभी जो समय चल रहा है इसमें मूली की बुवाई कर दें तो मूली की बुवाई से करने से भी हमारे लिए लगभग 40 से 50 दिन में हमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत कम समय में एक अच्छा उत्पादन होता है और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है, और रेट भी इसका मुख्यतः जो है वो 10 रुपये किलो से लेके 25 रुपये किलो तक इस समय रेट चलता है इसका।
और वो तो वैसे बात इससे भी डिपेंड करती है कितना माल मार्केट में आ रहा है। मुख्यतः 10 रुपये किलो का भी रेट मान लें तब भी इतने कम समय में मूली की खेती करने से बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, मूली के साथ साथ शलजम के बारे में मैंने आपको बताया था कि शलजम की जो खेती है उससे भी उसका भी समय पर ये सही समय है, और शलजम की खेती करने से भी किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी सब्जियों को कवर इसलिए किया है कि ये जो समय चल रहा है इसमें सीजनली जो सब्जियां आ रही हैं उनके बारे में ही मैंने इसमें डिस्कस किया है, क्योंकि इन सब्जियों का इस समय पे बुवाई करें तो अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, और इनका सभी का टाइम चल रहा है कि इनको इस समय बोने का एक अच्छा समय है और अच्छी जलवायु भी है इनके हिसाब से। तो इन सब्जियों की बुवाई करके किसान भाइयों के लिए जो है वो एक कम समय में और अच्छा मुनाफा प्राप्त करने का इनके लिए काफ़ी अच्छा समाधान ये मिल सकता है। किसान भाइयों, इनके साथ साथ चुकंदर की खेती करने का भी समय चल रहा है। चुकंदर को भी आप बो सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो ज़मीन है उसमें आप जो है क्यारियों में, छोटी छोटी क्यारियों में चुकंदर है, आपका मूली है, शलजम है, इन सब चीज़ों की खेती कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए अच्छे से इनकम का जरिया आपका बन सके। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए कुछ सीजनली सब्जियों के बारे में बताया जो कि मैंने इसको ज़रूरी समझा था। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों के लिए वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें। तो किसान भाइयों, मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसान भाइयों, जय किसान, जय जवान, जय अन्नदाता। मैं आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो देता रहता हूँ, और आप जो है कि मेरे चैनल को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप प्यार दें। धन्यवाद किसान साथियों।